हेलो आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ पूजा लूथरा और दिल से स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल पर। वेल, अगर आपकी भी स्किन सैग करने लगी है, उम्र के बढ़ने के साथ साथ रिंकल्स झुर्रियाँ नज़र आने लगे हैं और आप चाहते हैं कि नेचुरली आपकी स्किन अपलिफ्ट हो जाए, तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक नेचुरल बोटोक्स ट्रीटमेंट जो कि आपकी स्किन में कोलेजन के प्रोडक्शन को इम्प्रूव करके, बूस्ट करके आपकी स्किन को टाइट बनाएगा और ग्लो बहुत अच्छा आता है इस ट्रीटमेंट से, और साथ ही साथ आपकी स्किन सैग होने से भी बचती है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए बताती हूँ इस कोलेजन बूस्टिंग ट्रीटमेंट को आपने कैसे करना है ताकि नेचुरली आपकी स्किन को वो बोटोक्स ट्रीटमेंट मिल सके। आपको कोई केमिकल फिलर्स कराने की ज़रूरत नहीं है और ना ही डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाने की ज़रूरत है। ये सिंपल सी घर में मिलने वाली चीज़ें आपकी स्किन को बोटोक्स जैसा ही इफ़ेक्ट दे सकती हैं। दो रेमेडीज शेयर करूँगी। एक रेमेडी है नाइट सिरम, जो रात को सोने से पहले आप लगाएंगे। ये आपकी स्किन की लचक को बढ़ाएगा, कोलेजन को बूस्ट करेगा। और एक है कोलेजन पैक, जो कि वीक में 3 से 4 बार आप लगा सकते हैं। तो चलिए देख लीजिए इन दोनों चीज़ों को कैसे बनाना है और कैसे यूज़ करना है ताकि आपकी भी स्किन फॉरएवर यंग रह सके और आपके भी एजिंग साइंस जो है वो डिले हो सके। लेकिन उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा मेरी मोटिवेशन के लिए, मेरी इंस्पिरेशन के लिए। और अगर आपने ऑलरेडी लाइक कर दिया है तो आपको मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार और बहुत सारी दिल से दुआएं। चलिए सबसे पहले आपको सीरम बनाना बताती हूँ। ये कोलेजन बूस्टिंग सीरम बनाने के लिए आपको जो फर्स्ट चीज़ चाहिए वो है ओट्स, रोल्ड ओट्स आपको लेने हैं। बहुत सारे लोग आजकल इसे एज अ ब्रेकफास्ट यूज़ करते हैं। ओट्स हर घर में अवेलेबल है, फिर भी अगर नहीं है तो इस तरह के ये ओट्स होते हैं, आपको किसी भी ग्रोसरी स्टोर पर मिल जाएंगे आसानी से। तो ब्रेकफास्ट में भी इसे यूज़ कीजिए, बिकॉज एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज से भरे होते हैं, प्रोटीन का भंडार होते हैं और आपकी स्किन के अंदर कोलेजन को बूस्ट करते हैं ये, और आपके डाइजेशन को सुधारते हैं। फाइबर बहुत अच्छी मात्रा में होता है इनमें और आपकी स्किन पर इरिटेशन, इचिंग और रैशेस को दूर करते हैं, पिगमेंटेशन को भी दूर करते हैं ओट्स। तो 2 चम्मच ओट्स मैंने लिए हैं और इन्हें कम से कम 5 से 6 चम्मच पानी में आप भिगो देंगे। कितनी देर के लिए भिगोएंगे? हम भिगोएंगे 1 घंटे के लिए। 1 घंटे में ओट्स जो है वो अपनी सारी प्रॉपर्टीज़ पानी में छोड़ देंगे और पानी जो है वो मिल्की हो जाएगा। ये देखिए कुछ इस तरीके का हो जाएगा। अब आपको ऊपर से पानी ले लेना है 4 चम्मच और बाकी जो बचेगा ना उसका मैं बताऊंगी आपको क्या करना है। फेंकना नहीं है, उसको पैक में यूज़ करना। तो पहले हम सीरम पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो ये 4 चम्मच हमने ओट्स मिल्क ले लिया। सेकंड चीज़ जो आप लेंगे वो है क्यूकम्बर, यानी कि खीरा। खीरा हाइड्रेशन का भंडार है। जैसे जैसे हम एज करने लगते हैं ना, हमारी स्किन में नेचुरल हाइड्रेशन जो है वो कम होने लगता है, तो खीरा उस हाइड्रेशन को आपको देगा। साथ ही साथ खीरे में नेचुरल स्किन टोनिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। अनइवन स्किन टोन को दूर करता है ये और आपके पोर्स को टाइट करता है। साथ ही साथ बहुत सारे मिनरल्स और विटामिंस होते हैं जो कि स्किन के ग्लो को बढ़ाते हैं, स्किन को कूल एंड काम करते हैं। पिगमेंटेशन मार्क्स को या ब्लेमिशेस को दूर करने के लिए भी खीरा बहुत अच्छा होता है। एक खीरा मैंने लिया है, कद्दूकस कर लिया है, और इसका जूस इस तरह से हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। और अब ये खीरे का पल्प भी फेंकना नहीं है, इसका अभी बताऊंगी आगे क्या करना है। तो ये हमें ओट्स मिल्क और खीरे के जूस का एक सॉल्यूशन मिल गया। अब हम इसमें कुछ चीज़ें और ऐड करेंगे। फर्स्ट थिंग है एलोवेरा जेल या फिर सैंडल एलोवेरा जेल, जो भी आपके पास घर में रखा है यूज़ कर लेंगे। मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ सैंडल एलोवेरा जेल बिकॉज इसमें स्किन कूलिंग एंड कामिंग प्रॉपर्टीज़ भी होती है और समर्स में स्पेशली सैंडल एलोवेरा जेल बहुत अच्छा रहता है स्किन के लिए। जिनको एलोवेरा जेल सूट नहीं करता है, अगर वो सैंडल एलोवेरा जेल यूज़ करेंगे अपने स्किन केयर में तो ज़रूर सूट कर जाएगा, बिकॉज ये सैंडल यानी कि चंदन और एलोवेरा का मिक्सचर होता है तो हाइपर सेंसिटिव स्किन को भी सूट कर जाता है। चॉइस इज योर्स, या तो सैंडल एलोवेरा जेल लें या फिर एलोवेरा जेल लें। जो सैंडल एलोवेरा जेल मैं यूज़ कर रही हूँ इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो मैं यहाँ पर 2 से 2.5 चम्मच बड़े वाले चम्मच टेबल स्पून
सैंडल एलोवेरा जेल यहाँ ऐड कर रही हूँ। इसके बाद हम मिलाएंगे तकरीबन एक चम्मच ग्लिसरीन। ग्लिसरीन ह्यूमेक्टेंट का काम करेगी और आपके सिरम में जब आप इसे यूज करेंगे तो आपकी स्किन को बेहतर न्यूट्रिशन देगी और आपकी स्किन में मॉइस्चर को लॉक करके रखेगी। लास्ट इंग्रेडिएंट है स्वीट आमंड ऑयल, यानी कि बादाम रोगन। बादाम रोगन नहीं है तो ऑलिव ऑयल या विटामिन ई ऑयल भी आप ले सकते हो, वो भी डालेंगे 1 से 1.5 चम्मच। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स ना हो पाए अच्छे से तो आप मिक्सी में ब्लेंड कर लेना, ब्लेंडर में चला लेना। सिर्फ 5 सेकेंड्स में बहुत ही अच्छी सीरम कंसिस्टेंसी इसकी आ जाएगी। ये देखिए, मैंने ब्लेंडर में ही ब्लेंड किया और बहुत ही ब्यूटीफुल सा टेक्स्चर आ गया है हमारी नाइट सीरम का। तो ये हमारा नाइट सीरम तैयार है। इसे हम शिफ्ट कर लेंगे एक कंटेनर में, फ्रिज में रखेंगे। 20 से 25 दिन ये ख़राब नहीं होगा, तो आपने इसे बना लेना है और जब भी यूज़ करना है पहले हाथों को अच्छे से वॉश कीजिए, चम्मच से थोड़ा सा अपने हाथों में लीजिए, अपने फेस पर अप्लाई कीजिए, रात को सोने से पहले अच्छे से मसाज कीजिए, प्रेशर पॉइंट्स दबाइए और आपकी स्किन रिजुविनेट होने के लिए तैयार है। पूरी रात ये आपकी स्किन पर काम करेगा, कोलेजन को इम्प्रूव करेगा, हाइड्रेशन को इम्प्रूव करेगा, स्किन को न्यूट्रिशन देगा और आपकी स्किन बहुत ही ब्यूटीफुल, ग्लोइंग, रेडिएंट एंड जवां हो जाएगी। तो ये था नेचुरल बोटॉक्स के लिए कोलेजन सीरम। अब आपके साथ शेयर कर रही हूँ कोलेजन पैक, जो कि वीक में 3-4 बार लगाएंगे और इसी लेफ्ट ओवर मटीरियल से बन जाएगा। तो ये जो ओट्स हैं बचे हुए और थोड़ा सा ओट्स मिल्क भी है, ये हम लेंगे। इसमें ऐड करेंगे ये खीरे का पल्प और ऐड करेंगे 1 चम्मच बेसन। इन तीनों चीज़ों को मिक्सी के जार में डाल दीजिए, ब्लेंड कर लीजिए अच्छे से और ये बन गया आपका कोलेजन पैक। इसको बना के फ्रिज में रख सकते हैं, हफ्ते में 3-4 बार यूज़ कीजिए। तो है ना, एक रेमेडी बनाते बनाते दूसरी रेमेडी फ्री में बन गई। तो ज़रूर यूज़ करना है आपने। इसकी थिक लेयर आपने फेस पर अप्लाई कर लेनी है इस तरीके से और 20 मिनट के लिए अप्लाई करके रखना है इसको। आपकी स्किन जो है वो कड़क हो जाएगी। हाथ में उसके बाद पानी लेंगे थोड़ा सा या दूध लेंगे, अच्छे से मसाज करेंगे सर्कुलर मोशन में, अपवर्ड डायरेक्शन में, और मसाज करते करते इसे छुड़ाएंगे और फिर पानी से अपने फेस को धो लेंगे। जब ये फेस पैक अगर आप यूज़ कर रहे हो तो उसके 6 घंटे तक आपको फेस वॉश नहीं करना है। इसकी गुडनेस को आपकी स्किन के अंदर पेनिट्रेट होने दीजिए, सिर्फ पानी से ही आपको अपनी स्किन को वॉश करना है। ठीक है जी, ये दोनों चीज़ें आप यूज़ करके देखिए। 15 दिन में आपकी स्किन का टेक्सचर बदलेगा, आपकी स्किन टाइट होगी, आपकी स्किन का ग्लो बढ़ेगा, आपकी स्किन का रेडियंस बढ़ेगा और आप खुद कहने आओगे कि पूजा वाकई में ये सीरम और मास्क कमाल का है। तो मेरे कहने पर ना जाएं, बनाएं इसे, यूज़ करें और रिजल्ट्स बताएं यहाँ आके, ताकि मेरी कम्युनिटी के दूसरे लोग भी इंस्पायर होके इसे यूज़ कर सकें। मैंने यूज़ किया, मुझे तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिले हैं, इसीलिए आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, भर भर के लाइक दीजिएगा। थम्स अप का बटन नीचे ही है, कहीं दूर नहीं जाना है, जल्दी से उसे दबा दीजिए। शेयर कीजिएगा वीडियो को अपने फ्रेंड्स, फैमिली एंड रिलेटिव्स के साथ, सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर, जहां भी आप लोगों के साथ कनेक्ट करते हैं या उनसे मिलते हैं। और हाँ, अगर मेरे को इंस्टाग्राम पे आपने फॉलो नहीं किया है तो अभी मौका है, देर आए दुरुस्त आए, जल्दी से मेरे इंस्टाग्राम फैमिली का भी हिस्सा बन जाइए। और मेरे इंस्टाग्राम की आईडी है पूजा लूथरा ऑफिशियल। तो ये था आज का वीडियो, बाय बाय।